नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बाढ़ की मुख्य सड़क का बरसात के प्रारंभ होते ही बुरा हाल है। कीचड़ और जल जमाव की वजह से सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने का एकमात्र यही रास्ता है, इसलिए हर साल विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर छात्राओं को बहुत दिक्कत होती है। गंदगी और जल जमाव से यहाँ मलेरिया जैसी बीमारी के फैलने का खतरा भी बना रहता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से अब तक कभी भी इस गांव की सड़क नहीं बनी। टूटी फूटी कच्ची सड़क के सहारे ही गांव की कई पीढ़ियां खप गईं। जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ आश्वासन दिया। स्थानीय मुखिया, जिला परिषद विधायक और सांसद कई बार सड़क बनवाने का वादा कर चुके हैं, लेकिन हर बार गाँव के हिस्से में निराशा ही आई है। सड़क की हालत आज भी जस की तस है। यह सड़क झिटकिया पंचायत, बरदाहा पंचायत और भतरंधा परमानपुर पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। यह सहरसा, मधेपुरा और सहरसा जिले के बॉर्डर पर है और एक दूसरे को आपस में जोड़ने वाली सड़क भी है। इसके बावजूद इसके निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधियों में उदासीनता ही दिखाई दी। बिहार राज्य के खेल मानचित्र पर इस गांव की अलग पहचान है। यहां कई बार राष्ट्र प्रतियोगिता का आयोजन हो चुका है। इसमें राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। इसी सड़क से खिलाड़ियों का मार्च पास्ट भी होता है। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन और पुरस्कार वितरण समारोह में प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी आगमन होता है, लेकिन तब भी किसी का ध्यान इस सड़क की ओर नहीं गया। गांव की 10,000 की आबादी के लिए बाजार जाने का यह एकमात्र रास्ता है। किसानों को अनाज ढोने और बीमार लोगों को इलाजों के लिए शहर ले जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आए दिन गाड़ी फंसने और लोगों के फिसल कर घायल होने की घटना घटती रहती है। वार्ड नागरिकों ने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि इस बार सड़क नहीं बनी तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि हमें झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। मधेपुरा से रामानंद कुमार की रिपोर्ट।